हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जिनके हाथ में आंसू गैस का ये शायद सेल है, ओके, कोका है। तो ये क्यों आप हाथ में लेके चल रहे हैं? ये इसलिए हाथ में लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैडम मैं उस तरफ से आ रहा था कोर्ट की तरफ से, मैं कोर्ट की तरफ से वहाँ से निकल रहा था तो मेरी नजर एकदम से पड़ी, तो मैंने उठाया क्या कर ये चीज है, क्या ये क्या यूज किया गया। मैंने देखा तो इस पे लिखा है आंसू गैस सेल, ठीक है, इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसकी स्लिप भी है, आप इसको देख सकते हैं, जनवरी 2011 का मैन्युफैक्चरिंग डेट है और जो एक्सपायरी डेट है वो जनवरी 2014 का है। तो मैं डायरेक्ट गृह मंत्री जी से, क्योंकि पुलिस तो उनकी है, गृह मंत्रालय उनके पास है, मैं डायरेक्ट उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि गृह मंत्री जी आप बताइए कि ये कैसा मिसमैनेजमेंट है आपका, सरकार का आपका कैसा मिसमैनेजमेंट है कि आप 7 साल पुराने एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले किसानों के ऊपर छोड़ रहे हैं, आप उनको मार देना चाहते हैं, कई बार गोला पुलिस की तरफ भी वहीं चल जाता है, क्या पुलिस को भी मार देना चाहते हैं, आप संघार पे उतर आए हैं क्या? मैडम मैं लगातार आज तक ही अंजना ओम कश्यप को देख रहा था, अभी लगातार मैं अपने यूट्यूब पे देख रहा हूँ उनको, वह किसानों को गद्दार कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं। मैडम आप क्या आप ये दिखाएंगे, आज तक मैं है इतनी हिम्मत, गोरी मीडिया में है अगर हिम्मत तो आइए मेरी वाइट लीजिए ये दिखाइए, और गृहमंत्री जी से सवाल अगर अंजना ओम कश्यप में बाकी दम है, इंडिया टुडे नेटवर्क में अगर दम है तो आ जाए मेरे पास ले ले मेरी वाइट, क्यों नहीं लेता है? मैं वही शख्स हूं जिसने प्रधानमंत्री के ऊपर आईटीआई लगा दी थी और पता किया था कि इन्होंने अपना झूठा नामांकन भरा है, इन्होंने अपनी पत्नी से संबंधित जानकारी नहीं दी है, लेकिन मेरी मैंने कंप्लेंट भी किया चुनाव आयोग को। देश में आप जो तानाशाही लाने वाले हैं, आप चाहते हैं, आपके जो मंसूबे हैं वो तो अगर हम जैसे जागरूक लोग हैं तो नहीं होने देंगे, मैं दिखाता रहूंगा जब तक ये मेरे हाथ पे, हर एक कोई गोदी मीडिया नहीं भी दिखाएगा, मैं उसके पास जाके दिखाऊंगा। सही बात है, बिल्कुल एक्सपायरी डेट है, बताओ मेरा नाम दीपांशु साहू है, मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर से आया हूँ, शामिल होने हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ इसलिए यहाँ पे।